नमस्कार बच्चों, प्रश्नावली 10 सॉरी कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न 6 हम करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और क्योंकि हमें इसमें कॉस ए और कॉस बी लेना है, तो त्रिभुज का जो नाम होगा वह होगा ए सी बी, सो दैट एक कोण इधर हो और एक कोण इधर हो, ए और बी। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखना, एक बार मैंने बी ऊपर ए नीचे लिया और दूसरी बार मैंने बी नीचे और ए ऊपर लिया है, सी यहीं पर है, सी पर समकोण बन रहा है। तो बच्चों देखिए, हमें दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी के, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, कॉस ए के लिए आधार के साथ ए यहां है, ये त्रिभुज देखेंगे, ये वाला कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है एसी बटा हाइपोटेन्यूज है ए बी। अब कॉस बी थीटा है बी, इसलिए बी आधार के साथ होना चाहिए, तो यह वाला त्रिभुज देखेंगे, ऊपर वाला अब नहीं देखेंगे, नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे, क्योंकि कॉस बी पूछा है तो बी आधार के साथ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस त्रिभुज में कॉस बी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है देखिए बीसी बटा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए बी। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, एबी से एबी कट जाएगा, इस एबी को उधर ले जाएंगे तो एबी से एबी कट जाएगा, एबी यहां भी हर है और यहां भी हर है, तो एबी से एबी कट गया, हमें मिल गया एसी बराबर बीसी। इसका मतलब ये त्रिभुज लेंगे तो एसी बराबर है बीसी के। और बच्चों हमें पता है एक त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, इसका मतलब AC के सामने है कोण B और BC के सामने है कोण A, कोण B बराबर कोण A होगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं, एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, बीसी के सामने है कोण ए और एसी के सामने है कोण बी, इसका मतलब सिद्ध हुआ कि कोण ए बराबर है कोण बी के। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था कि कोण, यदि कॉस ए बराबर है कॉस बी के तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा। आशा करता हूं इस प्रश्नावली का यह प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।